हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज ये व्लॉगिंग जो है शुरू हो रही है मेरे पूजा पाठ से। तो आज सावन का सोमवार है, फर्स्ट सोमवार है। तो आज है मेरा व्रत और मैं अभी पूजा कर रही हूँ। सारा काम जो है घर का हो चुका है, बस अब पूजा करने के लिए बैठे हैं क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। तो अभी सिर्फ चालीसा जो होता है ना, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ सावन में, तो सिर्फ चालीसा पढ़ रही हूँ। पूजा और पूजा की साफ़ सफाई जो होती है वो मैंने कर ली है। सिर्फ चालीसा पढ़ने के बाद मैं करूँगी आरती, आरती करने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर। मंदिर मेरे घर के पास में ही है, लेकिन अपना मोबाइल लेके नहीं जाएंगे क्योंकि अगर मंदिर वंदिर में मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, या तो कोई और हो तो शूट करे, नहीं तो अगर आप 2 मिनट के लिए मंदिर जा रहे हो और अकेले हो उसी में शूटिंग करो तो आस्था कुछ समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है बस व्लॉगिंग ही व्लॉगिंग ज़िंदगी में रह गई है। इसलिए जब मतलब कि ऐसा तो होता है ना कि एक दो लोग रहते हैं या वंश वंश रहते हैं तो हम कर लेते हैं, वरना ऐसे ही जाएंगे। और जल्दी से पूजा यहाँ पे पाठ कर लिया मैंने और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती। तो आरती क्या है, मैं बुक जो है मैं आरती के नीचे रखती हूँ, मुझे एकदम कंठस याद नहीं है इसलिए बुक नीचे रखी, इसलिए मेरी नज़र जो है थोड़ी नीचे है। तो पूजा कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ओके, आज सावन का पहला सोमवार है और पूजा वूजा हो गई और फिर मंदिर भी गए थे घर की पूजा करने के बाद। पास में ही मेरे यहाँ भोले बाबा का मंदिर है तो वहाँ भी गया था। अब इतनी गर्मी हो रही है ना कि देखिए सेंधी मंदिर से बाहर जा रहा है मेरा, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैंने अब जा रहे हैं ये खा के पानी पीने क्योंकि मुझे प्यास ना सुबह से ही लगी है। लेकिन मैंने सोचा था कि जब तक भोले बाबा को जल नहीं चढ़ा लेंगे ना तब तक पानी नहीं पिएंगे, तो इसलिए मैंने जल थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पूरे घर के काम को करने के बाद वो पूजा पाठ भी करनी होता है ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। भोले बाबा समझते हैं मेरी परेशानियों को, तो इसलिए कोई ना, तो बस चलते पहले पानी पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं कि आज दिन में हम लोग क्या क्या करते हैं। सो फैमिली, अभी मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए। तो दिन भर मुझे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना सारा काम था। आप लोगों को पता है कि घर में काम चला और उस इतने सारे कामों से घर से निकलना बहुत मुश्किल था। तो इधर मैं रायबरेली स्टेशन पे पहुंच चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर अपने भतीजे के बर्थडे के लिए। तो उधर आज मेरे भतीजे का बर्थडे है, आज है 10 जुलाई, तो आज ही है। लेकिन जो है पार्टी है वो है कल। तो अभी मैं रेलवे से निकल चुके हैं घर जाने के लिए, तो इलाहाबाद जा रहे हैं। और दिन भर एकदम टाइम ही नहीं मिला कि कुछ भी शूट कर पाए, तो घर में इतना काम था उस सबको निपटा के ही निकलना होना हुआ था, तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हम जा रहे हैं, वंश जा रहा है और दीदी के घर से केवल देवा जा रहा है। देवा अब अपने घर की सारे दायित्वों को निभाएगा क्योंकि दीदी की, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो दीदी नहीं जा पा रही है, तो इधर रिद्धि बैठी है। रिद्धि की जॉब लग गई है यहाँ पर। क्या नाम बताए? अनामिका श्रीवास्तव। तो रिद्धि अपना जहाँ पे भी रहती है वो अपना फन ढूंढ ही लेती है। तो दिन भर का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, व्रत भी था, कुछ कुछ इतने सारे काम थे, पैकिंग करना था, सब कुछ करना था, इस वजह से टाइम ही नहीं मिला। अब हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज और प्रयागराज में निकल रहे हैं अब अपने घर की तरफ। सभी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से जगह मिल गई थी, बैठ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये देखिए ये ट्रेन जा रही है, दीदी आराम से चलो तुम तो। और ये देखिए कुछ प्रयागराज बाहर से इस तरह दिख रहा था जो कि बहुत खूबसूरत से दिख रहा था, तो मैंने कहा ला दिखाते हैं आप लोगों को। ये बाहर प्रयागराज के स्टेशन, ये मेन जो प्रयागराज है वहाँ का नहीं, ये प्रयागराज जो है वहाँ का है, मेन स्टेशन ये नहीं है। और हम लोग बैठ चुके हैं अपने ओला पे, अब हम लोग निकलेंगे अपने घर और घर निकलेंगे। और बाहर मैं दिखाना चाह रही थी कि वहाँ लिखा रहता है आई लव प्रयाग, लेकिन उस समय तक मेरी एक कॉल आ गई थी तो वो मैं दिखा ही नहीं पाई। कोई नहीं, अभी चलते घर फिर देखते क्या करते हैं।
सो फैमिली यहाँ पे घर पहुँच गए और ये छोटा सा जो केक है वो मैं लेके आई थी अपने हनु के लिए, क्योंकि आज जो है ना वो स्कूल में तो उसने केक काटा था लेकिन घर पे नहीं काटा था, क्योंकि घर पे था रुद्राभिषेक। तो मम्मी का कहना है रुद्राभिषेक के बाद जो है ना वो केक कटिंग नहीं होती, तो बहुत मुश्किल से उसको ये केक काटने की इजाज़त मिली थी, तब कि वो काटा भी नहीं था और दीदी ने काटा था और भाई ने ना ऐसे टी शर्ट से कैंडल को फूंक दिया था। तो मतलब कहा जाता है कि मम्मी ने बताया कि रुद्राभिषेक के बाद जो है वो केक नहीं कटिंग होती है, तो जो चीज़ मम्मी कह देती है कि हाँ नहीं होनी चाहिए फिर ज़बरदस्ती करना सही नहीं होता। तो बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन के लिए कि हाँ आज की डेट में इसको केक काटना चाहिए, तो इसलिए मैंने छोटा सा केक लाई थी। तब कि ये अभी बस लाया ना तो वो जिद करने लगा कि नहीं बुआ काटते हैं, तो बहुत लोगों का वेट नहीं किया, बस अपने में ही काट लिया मैंने केक। लेके आई थी और हनु को बहुत पसंद आया। हनु तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा? ये वंशु इनको सिखाएंगे ये। हनु बीच में पैर रखो, किनारे नहीं रखो। हनु हनु ये देखो मेरे को ये बता पहले गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। तो कहो थैंक यू बुआ। थैंक यू बुआ। वेलकम हनु। फैमिली अब हम लोग आ गए हैं, बैठ गए हैं कोमल के रूम और खाने जा रहे हैं फलहार, क्योंकि आज सोमवार का दिन था और आज है 10 तारीख। हनु का बर्थडे जो है वो 10 जुलाई को होता है, लेकिन सोमवार का जो सावन का उपवास पड़ने की वजह से ये पार्टी कल कर दी गई है, मतलब कि 11 तारीख को। तो कल होगी पार्टी। नॉर्मली ऐसे रुद्राभिषेक हुआ था मॉर्निंग में, जिसमें हम नहीं आ पाए थे क्योंकि घर में आप देख रहे हो कि बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो उस वजह से नहीं आए थे। तो अभी हम लोग आए हैं रात में 11 बजे इलाहाबाद में, तो कल है पार्टी। स्पेशली पार्टी के लिए आए हैं, दावत खाने आए केवल और कुछ नहीं। और अभी हम खाने वाले हैं फलहार, और इतना सारा बना है फलहार जो कि हम अपने घर में बिल्कुल भी नहीं बनाते। आपने देखा कि मैंने हर व्रत में केवल सिंपल से जो आलू होता है ना वही बनाते, और कुछ नहीं बनाते। तो बहुत दिनों के बाद आ गई है भाभी, भाभी ने चली कर दिया अपना काम का, और बहुत जल्दी ये कुछ अलग करने वाली है, करेंगे अलग करेंगे कुछ। अब ये बहुत जल्दी ये भी सोशल मीडिया पे आने वाली है हम लोग को। तो बस अब इसी तरह बस खाएंगे पिएंगे और रात में और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग मतलब आज मॉर्निंग से ना यहाँ लाइट नहीं थी तो सबकी हालत है बहुत बुरी। तो सब कुछ खाएंगे पिएंगे, बस सोएंगे, और कल होगी पार्टी। कल आप लोग बहुत अच्छा व्लॉग देखने वाले हो, कल का बहुत अच्छा व्लॉग होगा। मॉर्निंग से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा एफर्ट डाल के बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाओ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। मेवा नहीं डाली क्योंकि ये नहीं खाती।